नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी लिटरेचर में प्रथम प्रश्न पत्र में केशव कवि को पढ़ रहे हैं, आगे का पार्ट भाग को, जिसमें सर्वप्रथम हम राम वंदना की व्याख्या करेंगे। क्योंकि पूर्व की वीडियो में हम बता चुके हैं कि जितने भी प्राचीन कवि रहे जिन्होंने ग्रंथ लिखे लक्षण ग्रंथों के आधार पर, साहित्य सिद्धांतों के आधार पर, उन्होंने अपने साहित्य के प्रारंभ में, अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ईश वंदना की है। और उस ईश वंदना के ही प्रथम चरण में हम सरस्वती वंदना का पाठ कर चुके हैं, जो केशव दास की है, जो पाठ्यक्रम में है। और आज हम राम वंदना का पाठ कर रहे हैं, राम वंदना को पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। केशवदास की रामचंद्र का जो रामचरितमानस के बाद राम के चरित्र की व्याख्या करने का की सबसे अच्छी कृति मानी जाती है। कुछ शाब्दिक दृष्टि से दुरूर जरूर है, क्लिष्ट जरूर है, लेकिन शब्द योजना और व्याख्या की दृष्टि से अतिश्रेष्ठ रचना है। आज हम बात कर रहे हैं राम वंदना पर। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे ओर उक्ति। कवि केशव दास कहते हैं कि सारे भी जितने पुराण हैं, जितने भी हिंदू वाङ्मय के पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने महाकाव्य हैं, वे सारे के सारे एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, आप पूर्ण हैं। और इसके अलावा कोई और मतभेद, विचार भेद किसी में है ही नहीं। आपकी पूर्णता के, आप पूर्ण पुरुष के रूप में आपको सभी ने स्वीकार किया है, क्योंकि आप एक आदर्श पुत्र हैं, आप एक आदर्श पति हैं, आप आदर्श राजा हैं, आप आदर्श भाई हैं, आप आदर्श शिष्य हैं, आप आदर्श मित्र हैं, और आगे चल के आप आदर्श पिता भी। तो जहां संपूर्ण रूप में आपको आदर्श रूप में स्वीकार किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया गया, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया, जहां पुरुष श्रेष्ठ की सारे गुण आप में देखे गए, पाए गए, हे इसलिए हे प्रभु, आपके चारित्रिक गुणों को लेकर, आपकी पूर्णता को लेकर किसी भी काल में, किसी भी कालखंड में, किसी भी साहित्य के किसी भी पन्ने में कहीं कोई मतभेद, विचार भेद नहीं है। सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है कि आज 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज ही राम वंदना का पाठ कर रहे हैं। तो कवि केशव कहते हैं कि आपकी पूर्णता को सभी एक मत से स्वीकार करते हैं। दर्शन देत जिने दर्शन समझेना, आपकी महानता, आप उन लोगों को भी दर्शन देते हैं, उन लोगों के प्रति भी आपके मन में दया का भाव है, आपके मन में समानता का भाव है, जो आपके दर्शन को समझते हैं। यहां दर्शन शब्द के दो अर्थ आते हैं। पहला अर्थ है दर्शन, साक्षात्कार, आमने सामने का मिलना, दर्शन देना। और दूसरा है फिलॉसफी, दर्शन, रहस्य, कि जो आपके रहस्य को, आपकी फिलॉसफी को नहीं समझते हैं, आपके दर्शन को नहीं समझते हैं, हे प्रभु, आप सहज ही उनको भी दर्शन दे देते हैं। राम काव्य में ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, कि जहां भगवान ने बहुत सामाजिक दृष्टि से बहुत छोटे और तुच्छ समझे जाने वाले प्राणियों को भी अपने हृदय से लगाया, समान रूप से उन्हें दर्शन दिए, समान रूप से उनका उद्धार किया। शत्रु और मित्रता को भी उन्होंने इसमें में भी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने जंगली जनजातियों को, भील, किरात, पशु पक्षी, बानर, भालू, जटायु, सबरी, अन्य जो शत्रु पक्ष के राक्षस थे, उन सभी को समान रूप से अपने दर्शन देकर
मुक्ति का मार्ग उनका प्रशस्त किया, उन्हें मुक्ति के मार्ग पर चलाया। तो आपके दर्शन को नहीं समझने वालों को भी आप अपने दर्शन देकर हे प्रभु सहज ही उनका बेड़ा पार करते हैं, उनको भवसागर से मुक्त करते हैं। कभी कभी केशवदास कहते हैं कि नेति नेति कहे वेद छड़े आन, जिसके बारे में वेद नेति 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 अर्थात जिसकी कोई इति नहीं है, कोई अंत नहीं है जिसका, ये कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास भी आपके ले आपके बारे में लिखने के लिए कहने के लिए वेदों में भी कुछ और नहीं है, उनको शब्द नहीं मिलते हैं, इसलिए नेति नेति कहकर वे भी छोड़ देते हैं। तो कवि केशवदास कहते हैं जानी यह केशवदास अनुदित राह, नेति नेति कहे वेद छाड़ी अनुक्ति को, और जानी है केशवदास अनुदित राम राम। केशवदास कवि कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वेद जो है आपको नेति नेति कहकर मुक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी रात दिन राम 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 का उच्चारण करता हूं, और यह उच्चारण करते हुए मुझे बिल्कुल भी काव्य में पुनरुक्ति दोष के आ जाने का भी भय नहीं रहता। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, केशवदास कहते हैं कि मैं तो राम 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 का रटता रहता हूं, उच्चारण करता रहता हूं, स्मरण करता रहता हूं, और मेरे साहित्य में पुनरुक्ति दोष आ जाएगा इस बात का भी मुझे भय नहीं है, उससे भी मैं चिंतित नहीं होता हूं। रूप देही अणिमा गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति। हे प्रभु हे श्री राम, आपके रूप की जो आराधना करता है, आपके रूप का जो स्मरण करता है, आपके रूप को जो अपने हृदय में स्थापित करता है, आप उसे अणिमा शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात अणु के समान हो जाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि में आठ सिद्धियां आती हैं, और उन आठ सिद्धियों में का वर्णन, उनमें से तीन सिद्धियों का वर्णन यहाँ केशवदास कर रहे हैं। एक शक्ति होती है, सिद्धि होती है अणु के समान हो जाने वाली। जब हनुमान जी लंका में गए थे, तब उन्होंने लंका प्रवेश के दौरान अपने आप को अणु के समान छोटा कर लिया था, लेकिन तब भी जो लंकिनी थी, जो लंका की जो संरक्षिका थी मुख्य द्वार की, उसने हनुमान जी को देख लिया था और रोक लिया था। तब हनुमान जी ने उसके सिर पर मुष्टिका से प्रहार किया था और उसको रुधिर का वमन हुआ था, जिससे उसने कहा था कि मैं धन्य हुई, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर लौट रहे थे, तब उन्होंने मुझे देखते हुए कहा था कि जिस दिन वानर के मुष्टिका प्रहार से तुम व्यथित हो जाओगी, उस दिन समझ लेना राक्षस कुल का विनाश होने वाला है। तो वहां हनुमान जी की अणुमा शक्ति थी। तो कवि केशवदास कहते हैं कि आपके रूप की आराधना जो करता है उसे अणिमा शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात हनुमान जी ने भगवान राम के रूप की आराधना की, इसलिए उन्हें वो शक्ति प्राप्त थी। गुण देही गरिमाही, और जो आपके गुणों को अपने अंदर उतारता है, आपके गुणों की आराधना करता है, आपके गुणों को स्वीकार करता है, आपके गुणों की वंदना करता है, वो स्वयं में ही गरिमामय हो जाता है, उसको गरिमा शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात विशाल हो जाने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान राम ने जाके सीता जी को दिखाई, जब सीता जी के समक्ष भगवान राम माँ सीता के समक्ष उपस्थित हुए मुद्रिका डालने के बाद छोटे रूप में, तो राम ने कहा, हनुमान ने कहा कि माता अगर प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु का आदेश होता तो मैं स्वयं ही आपको यहाँ से ले जाता। तो माँ सीता के मन में एक संशय पैदा हुआ कि इतना छोटा सा वानर इस इतनी बड़ी लंका की इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेगा। तो सीता के चेहरे से वो चीज स्पष्ट जब हुई, तो भगवान बजरंगबली इस बात को समझ गए और उन्होंने गरिमा रूप धारण किया, अपना विशाल रूप धारण करके माता को दिखाया, और माता सीता को ये विश्वास हो गया कि अब मेरी मुक्ति निश्चय है। तब उन्होंने हनुमान से कहा कि क्या और वानर भी आप जैसे ही हैं भगवान राम की सेना में। तो भगवान हनुमान ने कहा कि माता मुझसे भी बहुत विशाल और बहुत बलशाली सैनिक प्रभु की सेवा में
तत्पर है। तो वहां गुण देही, गुण की आराधना करने से, केशवदास कवि कहते हैं हे प्रभु आपके गुणों की आराधना करने से गरिमा शक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति देही महिमाई, और जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी भक्ति से श्रावण हो जाता है उसको महिमा शक्ति प्राप्त हो जाती है, महान होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह संसार में महानता के रूप में माना जाता है, संसार में उसे बहुत श्रेष्ठ नजरों से देखा जाता है, आदरणीय नजरों से देखा जाता है। और नाम देही मुक्ति को, और इन सबसे श्रेष्ठ जो है हे प्रभु आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य प्राणी मात्र इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो है नाम स्मरण को माना है। देखिए हरेक काल में, सभी काल में, सभी भक्त कवियों ने, सभी भक्तों ने, आज भी जितने हमारे कथावाचक हैं, आज भी हमारे बुजुर्ग जो हैं, आज भी जो हम उपदेश देने वाले उपदेशक हैं, उन सबका एक मत है कि नाम स्मरण सबसे बड़ा जो माध्यम है मुक्ति प्राप्त का। कलयुग में नाम आधारा कि कलयुग में एकमात्र उद्धार का जो मार्ग है वो नाम आधार ही है, नाम स्मरण करना ही जो है वो कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने और मुक्ति प्राप्त करने का एक माध्यम है। तात्पर्य कहने का, कवि केशवदास कहते हैं कि इसलिए हे प्रभु मैं तो आपके नाम का स्मरण करता हूँ, और नाम के स्मरण करने में यदि बार 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 पुनरुक्ति दोष आता है तो मुझे उसका भी कोई भय नहीं है, मैं निरंतर आपके नाम का स्मरण करता रहूंगा। तो इस तरह कवि केशवदास ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती वंदना और राम वंदना कर जो ईश वंदना वाला खंड होता है, जो एक तत्व होता है कि महाकाव्य की शुरुआत में ईश वंदना होनी चाहिए, उसका पालन किया और श्रेष्ठ दो वंदनाएं हिंदू समाज को, हिंदू वांग्मय को प्रदान की, जो बड़े आदर से और सम्मान के साथ आज भी उसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अगले वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।